निम्नलिखित इंडिविजुअली शी इज नथिंग। कि आप लेडीज हो फिर आप अपने ऊपर फोकस करो। स्क्रिप्टेड चल रहा है मे बी शायद। निम्रित एंड अब्दू का लव एंगल तो किसी को नहीं देखना है। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज शी इज द वन हु सेड कि शी वॉन्ट्स टू टेक अ एग्जिट। जब वो बजर प्रेस करना था शी वॉज सेइंग शालिन कि डोंट प्रेस। देन वाई डिड शी कम बैक? सेकेंडली एंड आफ्टर कमिंग वेन इज प्रेसिंग फॉर हर ऑब्वियसली ही विल प्रेस बिकॉज शी इज देयर टू कम इनसाइड। उसके बाद वो हिपोक्रेसी करिए, नहीं भाई तुम गलत हो, तुम मेरे खिलाफ हो। क्या करेगा वो बंदा, रोते बैठेगा क्या उधर जाके? शी इज़ रॉन्ग। री एंट्री तो एक्चुअली बनती नहीं थी बिकॉज पब्लिक उसको ऐसे ही पसंद नहीं करती। इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फॉर द गेम, दैट इज़ वॉट आई कैन से। शालिन एंड टीना बोथ आर डूइंग दिस ओनली फॉर द गेम शो, दैट्स इट। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज सी इज़ फेक पूरा। और टीना और शालिन दोनों को मालूम है कि हम दोनों मतलब गेम के लिए ही एक दूसरे का, उन लोगों का कोई प्यार व्यार नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, फेक लगता है सो कॉल्ड। एक्चुअली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मुझे नहीं लगता कि टीना इतनी भी डिजर्विंग है बिकॉज डे वन से उसका एंड शालिन का जो भी रिलेशन अब तक आया हुआ है वो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, इवन हर किसी के लिए वो फेक रहा है। वो एक प्रॉस्पेक्ट होता है कि किसकी रियल फीलिंग्स दिखाने का, बट वो रियल फीलिंग्स कभी भी निखर के आया नहीं है। एंड टीना के हिसाब से अब तक उसका क्लोजर या फिर काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स कोई बने नहीं है रैदर देन शालिन। और शालिन भी इसलिए बना है जस्ट बिकॉज क्योंकि जब उसको चाहिए होता है, जैसी भी चीज़ों पर चाहिए होता है, जब वो नीड पर होती है गेम के हिसाब से या उसके अपने पर्सनल फीलिंग के हिसाब से, तो वो लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड बाई करते हैं। तो इस रिलेशन की वजह से आई डोंट थिंक कि टीना का दोबारा से आना गेम में इतना भी ज़्यादा कुछ मायने रखता है, तो वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। कुछ बिग बॉस ने ये तो गलत स्टेप लिया एक्चुअली। वो उसका री एंट्री हुआ तो उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका शालिन के साथ ही चल रहा है जो भी है, बट उसने जो शालिन ने उसको इतना इसको बचाया उसको, बट उस पर ही उसने बैकफायर किया, तो इट्स नॉट वर्थ इट। ज़रूर 100% कर रही है। नहीं वो यूज़ कर रही है उसे, मुझे बस ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है ना वो कि वो यूज़ कर रही है, वो सिर्फ गेम में रहने के लिए ही यूज़ कर रही है। मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ रियल है जो मुझे फील होता है। मुझे सीरियसली लगता है कि जो भी है वो बिग बॉस में टिके रहने के लिए। ये इसके पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब उन दोनों के बीच में कभी भी अनबन होती है तो टीना किसी के पास भी जाके शालिन को कहती है मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है, फेक चल रहा है, ऐसा है वैसा है, शालिन के कैसे क्या रह चुके हैं मुझे नहीं पता, ही इज़ द मोस्ट अनोइंग गाय। एंड अगर उसने अगर बजर दबाया भी है शालिन, यहाँ पे इस गेम में सबको इंडिविजुअली खेल रहे हैं, अगर शालिन को ऐसा लगता है कि टीना के लिए बजर नहीं दबाने से वो अगर सेफ रह सकता है तो इसमें शालिन की गलती नहीं, और यहाँ पे हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सबको इंडिविजुअली खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से टीना अगर ब्लेम लगा रही है तो दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, क्योंकि अगर उस जगह टीना भी रहती तो शायद वो भी सेम चीज़ करती शालिन के लिए भी। नहीं वो खुद फेक है, वो क्या शालिन को फेक बोलेगी? वो कैमरा दिखती है सब जगह पे हक करते वक्त, सो पीपल आर नॉट फूल, वी नो दैट शी इज़ फेकिंग, ही इज़ फेकिंग, दे आर डूइंग इट फॉर गेम, सो इट्स नोबडी इज़ एक्सपोजिंग, दे बोथ आर फेक, एवरी वन नोज दैट फेक है। इट्स ओनली प्रियंका एंड अंकित इट्स रियल। नॉट एग्जैक्टली एक्सपोजिंग, आई थिंक शी विल कम बैक टू शालिन, जिस हिसाब से शालिन उसको घुमा रहा है एंड जिस हिसाब से वो सिंबल के अगेंस्ट भड़का रहा है, शी विल कम बैक टू शालिन, वेरी श्योर। बजर वाला नहीं समझ में आया, उसका क्वेश्चन उन्होंने भी नहीं दिया ना शालिन ने, इसलिए मुझे तो नहीं आया, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है उनको ऐसा लगता था कि सिंबल जाएगी उस दिन, इसलिए उन्होंने प्रेस नहीं किया था। वो डाउट में थे कि टीना की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है मे बी, बट सिंबल की ज़्यादा है, उनको ये लगता था कि टीना नहीं जाएगी इसलिए उन्होंने उस दिन नहीं किया था, और जब उनको पता था कि अभी ये आएगी फाइनली 25 लाख देने पर तो उन्होंने प्रेस किया, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली शालिन हाँ वो कर रही है एक्चुअली, वो तो शालिन पहले से ही एक्सपोज्ड है क्योंकि उसका सब जगह चल रहा है एक्चुअली, तो सबको दिख ही रहा है वो, बट अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। होना चाहिए क्योंकि जो लोग बाहर से देख के आते हैं ना वो सीख के आते हैं। तो अभी जैसे टीना की जो को एक्टर थी, सॉरी मैं उसका नाम, श्रीजीता, वो फर्स्ट आई, उसके बाद वो फर्स्ट वीक में रिटर्न गई, लेकिन अभी आई है ना वो बहुत सीख के आई है, तो सीख के आई है तो उसने आके ना धमाका किया और वो अब बहुत अच्छा गेम खेल रही है। ऑलरेडी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो चुके हुए, सबसे पहले श्रीजीता आई हुई थी एंड अभी टीना का एंट्री हुआ है। अगर इसके मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री और भी होनी चाहिए,
कुछ और कंटेस्टेंट आने चाहिए अच्छे कंटेस्टेंट के भी, क्योंकि हमने 2-3 हफ्तों से ऑलरेडी हमने इतने सारे कंटेस्टेंट को देखा है, उनकी रियलिटी हमें पता चली हुई है और सेम वही 2 कंटेस्टेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। तो कोई अगर न्यू कंटेस्टेंट आता है उसका गेम प्रॉस्पेक्ट हमको समझने को मिलेगा, उसकी रियलिटी देखने को मिलेगी, गेम में माइंड भी कुछ चेंजेस मिल सकता है हमें, बिग बॉस में कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ये आना चाहिए, आना ज़रूरी है। नहीं हो सकती है, शायद गौतम आ सकता है। बोर हो गए वो जो मंडली वाला ग्रुप जो है, इट्स वेरी बोरिंग, नोबडी अब्दू क्यों है, व्हाई इज ही देयर, ही इज डूइंग नथिंग, ब्रो 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 कितना दिन हम देखेंगे, ही इज जस्ट बिहाइंड। निमृत एंड अब्दू का लव एंगल तो किसी को नहीं देखना है। प्लस स्टैंड, ही टॉक्स सो शिट, ही यूज सो स्लैंग लैंग्वेज। येस्टरडे ही सेड टू प्रियंका दैट मैं औरत लोग से बात नहीं करता। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग हिम। I think people should not support such person that who says that कि मैं औरत लोग से बात नहीं करता। So and Nimrit did not take a stand. एक दिन पहले वो बोल रही थी episode में कि feminism, women power, she should have taken a stand. If you are talking about feminism, you should take a stand. She was not taking stand. So wild card भी नहीं आने चाहिए और अभी exit भी लोगों को कराना चाहिए, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको exit भी कराना चाहिए। Wild card में entertaining के लिए कोई तो होना चाहिए अर्चना के अलावा। बिग बॉस उनके साथ गेम खेल रहे हैं, अभी देखेंगे। नॉमिनेशन तो है नहीं, अभी वोटिंग लाइंस तो बंद है सारे। हाँ एलिमिनेशन तो है नहीं, तो उनके साथ ही अब जो झगड़े हो रहे हैं उनकी भी करेंगे। बस मुझे यही लगता है कि वो सिर्फ गेम में है, इसीलिए है कि वो शालिन के साथ है, नहीं तो वरना वो अभी तक नहीं रहती। आई थिंक टीना, क्योंकि शिव ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी बिग बॉस विनर रह चुका हुआ है, मराठी बिग बॉस विनर, तो उसे गेम की स्ट्रैटेजी पता है कैसे खेलना है नहीं खेलना है। वो ऑलरेडी रोडीज़ विनर भी रह चुका, रोडीज़ कंटेस्टेंट रह चुका हुआ है, तो उसे कहीं ना कहीं रियलिटी शो को हैंडल करना, लोगों के साथ या ऑडियंस को किस तरीके से एक फ़ैन क्लब एक बनाना, तो वो उसे अच्छे हाथ से पता है। एंड रही बात शालिन की, तो आई थिंक शालिन एंड टीना में ज़्यादा डिजर्विंग या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मुझे शालिन लगता है। शालिन सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता, वो टीना के लिए भी खेलता है, वो गेम प्लानिंग भी करता है। हालांकि टीना बहुत क्लेवर है, बट स्टिल आई थिंक कि एज़ कम्पेयर टू बोथ टीना को नॉमिनेट होना चाहिए, घर जाना चाहिए। होता है बट हो सकता है इस बार चले जाए, मतलब मुझे तो अंदर से ऐसा लगता है कि इस बार शाजी सर ही जाएंगे, टीना शालिन नहीं जाएंगे। और टीना शालिन भले से वो फेक है या जो भी है, लेकिन वो गेम अच्छा खेल रहे हैं। बिग बॉस का मतलब टिके रहना, अब टिके रहना तो कुछ भी करना हो सकता है ना। आई थिंक वोटिंग लाइन्स आर क्लोज्ड, जाना चाहिए स्टैंड ने, ही इज नॉट वर्थ। इधर शालिन और टीना बोथ आर एब्सोल्युटली 100% फेक। कल मैंने देखा था हेडलाइन में वोटिंग लाइन बंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिग बॉस भी स्क्रिप्टेड चल रहा है, मे बी शायद, क्योंकि टीना साजिद इस बार सब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं ना, तो मे बी टीना या साजिद जी में से कोई जाएगा। टीना ही जाएगी ऑफ कोर्स, से पता ही नहीं अभी तो, बहुत सारे जन है अभी घर में, अब पता ही नहीं अभी ये एंट्री का किसके वाइल्ड कार्ड का। बिल्कुल सही, क्योंकि निमृत का क्या है कि ये बात सब ये हम बहुत क्लियरली हम टीवी पे भी देख पाते, बिग बॉस में भी देख पाते कि निमृत का क्या है, जैसे बिग बॉ जब वो कैप्टन बनती है शी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अपने पॉइंट्स बहुत क्लियर रखती है एंड बहुत स्ट्रांगली प्ले करती है, बट जैसे कैप्टनसी चली जाती है ऐसे, क्योंकि गेम में क्या है ना कि किसी को भी हर्ट होता है, गेम में क्या है कि फ़ाइट होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो सब डिप्रेस होते हैं, सबकी अपनी अलग स्टोरी है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रियंका की, वो इंडिविजुअल है, अगर उसको 10 लोग बोलते हैं 10 लोग सुनाते हैं, बट प्रियंका कभी भी जाके वो एक सैडनेस फील नहीं करती है, एक सिंपैथी गेन नहीं करती है। बट अगर मैं निमृत की बात करूँ, उससे इतने सारे लोगों का सपोर्ट होने के बाद भी वो एक सिंपैथी गेन करती है, तो रोने का ये बहाने, तो उसके पीछे शिव है, साजिद सर है, अब्दू है, सुम्बुल है, कभी कभार शालिन भी आते हैं घर के, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 70% लोग उसके साइड में। बट फिर भी अगर वो ऐसा फेक दिखाती, अपने आप को दिखाती कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जो कि वो है नहीं, उसके बैक में हमेशा उसको सपोर्ट मिलता है, तो आई थिंक अंकित का कहना ये काफ़ी हद तक सही है। नहीं उस नहीं ऐसा तो वो इतना लड़का वैसे नहीं है, वो निकल गया होगा बाय मिस्टेक उसके मुँह से, लेकिन वो ऐसे नहीं है अंकित। मुझे भी लगता है यार कभी कभी, क्योंकि आप लेडीज़ हो फिर आप अपने ऊपर फोकस करो, वो तो देखो बिग बॉस में सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट मुझे ठीक लगता है मतलब अंकित ने जो बोला है। शी इज़ फेक फेमिनिस्ट, अगर वो रियल फेमिनिस्ट होती व्हेन वी वॉच, जब यू वो स्टैंड ने वर्ड बोला आई ऑल्सो फेल्ट
ही सेइंग इट रॉन्ग, ये नहीं बोलना चाहिए. वो उधर खड़ी थी, शी डिड नॉट से, बिकॉज वो मंडली मंडली है, सो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर इन देयर रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो. सो इट्स आई डोंट, अंकित इज राइट. नहीं सही है ना, बिकॉज शी ऑलवेज गोज, निमृत गोज एज पर हर कन्वीनियंस ओनली. शी वेन आज के भी कुछ कुछ इसमें भी आया है, मतलब द शॉर्ट वीडियोज दैट कम्स आउट इन लाइव ऑल्सो वी आर सीइंग के वेर इन यू नो निमृत इज सेइंग दैट शिव और सिंबल ने एक बनाया है स्ट्रैटेजी टू एक्सपोज निमृत. सो समवेयर अगर लाइव अगर आप देख रहे हो तो वो समझ ही जाएगा कि शी इज़ फेक. निमृत को बोला है फेक? नहीं, वो भी एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग जब होती है जब वो कैप्टन बनती है, वरना वो आड़ में चल रही है, अभी वो खुल के आ नहीं पा रही है. नहीं ये तो रॉन्ग एलिगेशन है एक्चुअली. निमृत जो है सो है, वो जो है ठीक है, वो ऐसा है, उसमें उसका रॉन्ग है एक्चुअली. आई थिंक कि मुझे चाहिए कि अभी इस स्टेज पे अगर टीना जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुम्बुल नहीं, उसने भी काफ़ी अच्छा अपना गेम इम्प्रूव किया है. टीना का एक क्लेवरनेस आ जाता है. श्रीजिता का अभी मैं कह नहीं सकती क्योंकि श्रीजिता जस्ट आई है, अभी उसका गेम और भी देखना चाहिए. अर्चना शी इज़ अ वेरी गुड एंटरटेनर. प्रियंका जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है. निमृत का आई थिंक निमृत या टीना, इन दोनों में से किसी एक को जाना चाहिए, बिकॉज निमृत इंडिविजुअली शी इज़ नथिंग, आई फील सो. एंड साजिद का पता नहीं वो क्या है. साजिद इसलिए भी है शायद अब्दू के एक वो बैक साइड है वो बन के, तो इस वजह से लगता है. एंड शिव ही इज़ प्लेइंग ऑल्सो वेल, शालिन इज़ गुड. तो आई थिंक निमृत या टीना में से कोई एक. हाँ बार बार हो रहा है, मैंने देखा है, ये नोटिस किया है कि हर हफ्ते नहीं जा रहा है, कोई ना कोई बोलते हैं लेकिन जाता नहीं है. नहीं फ्रेंड की वजह से ही वो रुक रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ फ्रेंड है करके ही वो रुक रहे हैं, नहीं तो कब से निकल जाते सब. बहुत होते हैं यार, क्योंकि अभी अभी रियलिटी तो नहीं पता है भाई, मैं बिग बॉस के अंदर तो नहीं हूँ कि रियलिटी क्या है, बट लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग नॉमिनेट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो अभी से टीआरपी के लिए वो लोग कैंसिल करते हैं, ये फैक्ट है, ये मैं कह रही हूँ. हाँ तो इसलिए मैंने बोला, लेकिन अगर वोटिंग लाइन क्लोज नहीं होती तो शायद साजिद सर निकलते इस बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो खुद से कुछ गेम खेल रहे हैं. बोर हो रहा है या इट्स बोरिंग? इट्स बोरिंग, यू आर नॉट एंजॉयिंग. देर शुड बी एलिमिनेशन, गेट मोर कंटेस्टेंट, दैट मीन्स इट समहाउ रिफ्लेक्टिंग दैट पीपल आर नॉट रेडी टू कम टू बिग बॉस. बिग बॉस भी खेल रहे हैं अपने साथ और कुछ नहीं. बिग बॉस को बोलो कुछ जेन्यून दिखाओ तो पब्लिक फॉलो करेंगे. 15 सीजन पूरा जेन्यूनली दिखा रहे थे, ये सीजन में बिग बॉस खुद ही खेल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली वो खेल रहे हैं, वो खेल ही रहे ऑडियंस के साथ, नहीं कंटेस्टेंट्स के साथ. ऑफकोर्स येस 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 100%, दैट इज वाई मैंने सेड लोगों को निकालो अब जो नहीं खेल रहा है वो. इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट कि आप व्यूअर्स को ऐसे ही खाली ऑडियंस को आपके साथ ले रहे हो, कर रहे हो, उनको इतना भी टॉस पे मत लो, क्योंकि देर आर अदर चैनल्स, देर आर अदर शोज विच आर डूइंग गुड, पीपल माइट स्विच टू दैट. पीपल कब तक लॉयल रहेंगे? येस ऑफकोर्स, बिकॉज उनका स्मोक ये सब आई डोंट लाइक पब्लिकली, मतलब नेशनल टेलीविजन पे आप बाहर स्मोक, ठीक है आप बड़े हो, ठीक है सब रिस्पेक्ट करते हैं आई नो, बट ऐसे सोशल नेशनल टेलीविजन पे स्मोक करना अच्छा नहीं है. लास्ट सीजन भी देखे हैं मैंने, सिद्धार्थ शुक्ला वाला तो कितना खतरनाक था, वो सीजन सबसे बेस्ट था. एलिमिनेशन नहीं हो रहा है वो तो ज़रा लग रहा है, बट हर जगह से मसाला मिल रहा है ना, हर कैरेक्टर अलग मसाला दे रहा है, तो शायद इसके लिए बिग बॉस ये नहीं कर रहा.